चिड़िया की बांस की बाइक। एक बड़े से जंगल में रूबी नाम की एक चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। रूबी दिखने में काफी सुंदर थी और रूबी को नई नई चीजें करने में बड़ा ही अच्छा लगता था। रूबी सभी अपने दोस्तों के साथ खूब घुमा फिरा करती थी। रूबी को नई नई जगहों पर जाना, अपने दोस्तों के साथ घूमना बड़ा ही पसंद था। एक दिन रूबी चिड़िया अपने दोस्त आदित्य कबूतर और हर्ष तोते के साथ दूर के जंगल में घूमने के लिए गई थी। हर्ष, तुम्हें पता है ना, मैं ये वाले जंगल में दूसरी बार आई हूँ। ये जंगल बहुत घना और बड़ा है, तुम हम लोगों के साथ ही रहना, वरना तुम कहीं गुम हो जाओगी। मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि मैं इस जंगल में गुम हो जाऊँ। वैसे भी तुम दोबारा आई हो तो इतना मत इतराओ, समझी? अरे हर्ष, तुम भी रूबी की बातों से क्यों चिढ़ रही हो? तुम तो जानते ही हो ना, रूबी मजाक करने में कितनी माहिर है, वह सिर्फ मजाक ही कर रही है। हाँ हर्ष, तुम बुरा क्यों मान रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही मजाक में बोल रही थी। अच्छा ठीक है, चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से जंगल में ठहरने के लिए कोई कमरा देखते हैं। हाँ चलो, मैं तुम लोगों को एक अच्छा सा होटल दिखाती हूँ। इस जंगल में बहुत बड़ा होटल है और कम दामों में भी वहाँ कमरे मिल जाते हैं। चलो हम वहीं चलते हैं। रूबी चिड़िया हर्ष और आदित्य के साथ होटल में जाती है और सही दामों पर एक कमरा लेकर वहाँ तीनों लोग रात गुजारते हैं और सुबह होते ही तीनों फिर से जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये देखो तुम दोनों, कितनी बड़ी दुकान है ये फलों के जूस की, हम लोग थोड़ा जूस पी लेते हैं। अरे आदित्य, अभी तो हम लोग होटल पर नाश्ता करके निकले हैं और तुम इतनी जल्दी जूस पीने के लिए कह रही हो? अभी हमें पूरा जंगल घूमना बाकी है, हम थोड़ा संभाल कर भी पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर हम फिजूल खर्ची नहीं करेंगे तो हम ज्यादा दूर तक जंगल घूम सकते हैं। देखो रूबी, तुम मेरे मामलों में ज्यादा टांग मत अड़ाया करो। तुझे जूस नहीं पीना तो ठीक है, तू जूस मत पी, लेकिन मुझे क्यों मना कर रही है? रूबी की तो आदत ही है सबके कामों में टांग अड़ाने की, तू छोड़ ना, हम लोग चलकर जूस पीते हैं। ठीक है, जाओ तुम दोनों और मैं जब तक थोड़ी दूर का जंगल घूम कर आती हूँ। वैसे भी मुझे घूमना पसंद है, तुम दोनों की तरह दिन भर खाना पीना मुझे पसंद नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, जाओ तुम घूमो और हम लोग जूस पीकर तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। ठीक है, तुम लोग यहीं बैठना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोलकर रूबी वहाँ से कुछ दूर तक जंगल घूमने के लिए निकल जाती है और थोड़ी दूर पहुँच कर रूबी को एक बड़ी सी अनोखी दुकान दिखाई देती है। उस दुकान के गेट पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था बांस की बाइक। रूबी चिड़िया जैसे ही वह बोर्ड देखती है तो उसे बड़ा अजीब सा एक्साइटमेंट होती है। रूबी जल्दी से दुकान के अंदर जाती है। भैया, ये आपकी दुकान के बाहर जो बोर्ड लगा है इसका क्या मतलब है? बांस की बाइक, क्या यहाँ सच में ऐसा कुछ है आपकी दुकान में? हाँ चिड़िया बहन, मैं बांस की बाइक बनाता हूँ। ये देखिए, मेरे पास बहुत सारी बांस की बाइकें हैं। ये बाइकें बड़ी हल्की, मजबूत और कम पेट्रोल में चल जाती हैं। मेरे जंगल के तो सभी पक्षियों ने मेरी बाइक खरीदी है और इसी से अपना सारा काम करते हैं। क्या आप मुझे अपनी बांस की बाइक दिखा सकते हैं? हाँ बहन, बिल्कुल दिखाऊंगा, आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये है मेरी कुछ नई बांस की बाइक। आपको इनमें से जो बाइक पसंद आए बताइए, मैं आपको अच्छे और सही दामों पर। दरअसल भैया, मैं इस जंगल की नहीं हूँ, मैं दूसरे जंगल से तो यहाँ घूमने आई थी और मेरी दोस्त थोड़ी दूर पर जूस की दुकान पर है, मैं उन्हें भी बुला कर लाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बाइक खरीदने की बात करूँगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रूबी जल्दी से दुकान के बाहर निकल कर आती है और आदित्य और हर्ष को सारी बात बताती है और उन्हें लेकर उस बांस की बाइक वाली दुकान में अपने साथ लेकर जाती है। आदित्य, हर्ष और रूबी दुकान के अंदर जाते हैं और दुकान वाले भैया से बात करके बाइक का दाम पूछते हैं। आदित्य को बांस की बाइक काफी पसंद आ जाती है, लेकिन हर्ष उस बाइक को लेने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता। मेरे दोनों दोस्त पागल हो गए हैं, पता नहीं उन्हें इस बांस के बाइक में ऐसा क्या अच्छा लग गया जो उसे खरीदने की बात कर रहे हैं। रूबी को अभी तक तो जूस पीने में पैसे वेस्ट लग रहे थे और तू ये बांस की बाइक खरीदने के पीछे पड़ गई है। देख हर्ष, पता नहीं तू क्यों मुझसे इतना चिढ़ने लगा है कि तुझे मेरी हर बात काटती ही रहती है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ये बाइक बहुत कम पेट्रोल में चल जाएगी और मजबूत भी काफी है, क्यों ना हम इसे खरीद ले। हाँ हर्ष, रूबी सही कह रही है, ये बाइक तो सचमुच बहुत ही मजबूत है और काफी हल्की भी है, इसे कोई भी आराम से चला सकता है। चलो ना, हम इसे पैसे मिलाकर खरीद लेते हैं। देखो, मुझे बांस की बाइक में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है,
और मैं इसे खरीदने के लिए एक रुपया भी नहीं दूंगा। तुम लोग के पास जितना पैसा है तुम अपना सारा पैसा इसमें लगा दो, मुझे कोई ना फर्क पड़ता, और मुझसे तुम लोग एक रुपये की उम्मीद भी मत रखना। इतना बोलकर हर्ष दुकान से बाहर निकल कर आता है और रूबी और आदित्य को भी ना चाहते हुए भी हर्ष के पीछे पीछे आना पड़ता है कि तभी हर्ष जल्दबाजी में जब दुकान के बाहर निकलता है तो हर्ष के पैर में चोट आ जाती है। अरे क्या हुआ हर्ष, तुम यहाँ जमीन पर कैसे गिर गए हो? पता नहीं यार आदित्य, मेरे पैर कैसे मुड़ गया और मैं जमीन पे गिर गया। शायद मेरे पैर में मोच आ गई है, दर्द से मेरी जान निकली जा रही है। अरे हर्ष, अब तो वापस घर कैसे चलेगा? और यहाँ तो पास की बाइक के अलावा और कोई भी दुकान नहीं दिख रही है ना, ना ही कोई मेडिकल स्टोर है यहाँ जहाँ से हम तुझे दवा दिला सके। अब तो तुझे कोशिश करके हमारे साथ ही उड़ना पड़ेगा, तभी हम घर पहुँच पाएंगे। नहीं रूबी, मैं बिल्कुल उड़ भी नहीं पाऊंगा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? हर्ष, तुझे छोड़कर भी तो हम नहीं जा सकते। चलो हम लोग एक काम करते हैं, ये बांस की बाइक खरीद लेते हैं और इसी पर बैठकर हम अपने घर वापस चले जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, जब भगवान ने चोट दे दी है मैं अपनी जीत छोड़ देता हूँ और चलो हम तीनों मिलकर वो बाइक खरीद लेते हैं। अरे वाह, चलो तुम्हारे पैर में चोट लगने का कुछ तो फायदा हुआ। इतना बोलकर रूबी हंसने लगती है, तभी रूबी तुम हंस क्यों रही हो? बहुत गलत बात है ये, बेचारे हर्ष के पैर में चोट लग गई है और तुम ऐसे हंस रही हो। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं नहीं हंस रही हूँ। रूबी, आदित्य और हर्ष दुकान के अंदर जाते हैं और तीनों लोग पैसे इकट्ठा करके उस बांस की बाइक को खरीद लेते हैं। बाइक वाले भैया, ये बाइक कैसे चलाई जाती है, क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं? बहुत आसान है चिड़िया बहन, चाबी घुमाओ और इंजन स्टार्ट होते ही अब तुम्हारी बाइक अपने आप चलेगी, और मैं गारंटी देता हूँ 1 साल तक इस बाइक में कोई भी खराबी नहीं आएगी। 1 साल बाद अगर जरा से भी खराबी आए तो तुम लेकर इसे मेरी दुकान पे आ जाना, मैं उसे फिर से ठीक कर दूंगा। रूबी, हर्ष और आदित्य अपनी बांस की बाइक पर बैठकर अपने जंगल वापस आ जाते हैं। इस तरह रूबी चिड़िया को अपनी बांस की बाइक मिल जाती है।